आज हमारा क्लास टेंथ का चैप्टर 7 की दो क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइड्स बाय -1, 6। इससे आपको दो चीजें बताएंगे। इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन सोच रहा हूँ कैसे निकालना। क्वेश्चन में क्या है, ए इस पॉइंट को मैंने दे दिया -3, 10 और सेकेंड पॉइंट है बी 6, -1 और यहाँ पे कहीं बीच में ये पॉइंट है -1, 6 ये सी पॉइंट। आपको ये बताना है जो ए बी को मिलाने वाली लाइन है, अगर सी उस लाइन पे लाई करता है तो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने लेट सपोज कर दिया कि ये के रेशियो एक में डिवाइड करता है। हमेशा के रेशियो 1 आपको लेना है। क्यों लेना है, इसमें कैलकुलेशन आसान है। और फिर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या आना चाहिए, m इंटू एक्स टू, एम की वैल्यू k, तो k इंटू 6 प्लस n इंटू एक्स वन, एन की वैल्यू क्या है 1 इंटू माइनस अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू k, n की वैल्यू कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या है m इंटू y2 k इंटू माइनस का 8 प्लस n इंटू n की वैल्यू 1 इंटू y1 अपॉन। देखो अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको ये चेक करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर, तो भी आप कैसे चेक करते हो, पहले यही बात समझ में, जिन्हें a कॉमा b जो दे रखा है उसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर लिया, जो c पॉइंट है वो -1, 6 में होना चाहिए। अगर c पॉइंट रियल में इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसकी वैल्यू हमने k ले ली, एक वेरिएबल वैल्यू ले, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो ये आएगा और y कोऑर्डिनेट ये आएगा। अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू जो गिवन पॉइंट है उसके इक्वल आनी चाहिए, मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट -1 के इक्वल आना चाहिए। x कोऑर्डिनेट क्या है, 6k-3 अपॉन k प्लस 1, ये हमने x कोऑर्डिनेट इसका निकाला है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो क्वेश्चन में c का x कोऑर्डिनेट गिवन, क्या गिवन है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया 6k-3 = -k-1, k को इधर लेके आए 7k, -3 उस साइड गया तो +3, -1, 2, तो k की वैल्यू क्या है 2/7, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, k रेशियो 1, तो आंसर क्या है 2/7 रेशियो। रेशियो निकालने के लिए हम पूरे रेशियो को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या लेगा 2/7, 7 से 7 कैंसिल आउट 1 × 7, 7। और सेकंड बात, अगर y कोऑर्डिनेट से सॉल्व करते हैं तो भी k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, दो अलग अलग रेशियो में तो डिवाइड नहीं कर सकता ना, एक पॉइंट एक ही रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको भी हम चेक करते हैं कि सेम आती है या नहीं आती। -8k + 10 अपॉन k प्लस 1, k+1 = y कोऑर्डिनेट 6, ठीक है y कोऑर्डिनेट 6 समझ में आ रहा है ना, ये y कोऑर्डिनेट हमने जो निकाला है वो है ये जो क्वेश्चन में दिया है, तो -8k + 10 = 6k+6, 6k को मैं इधर ले आया, या चलो इसको 8k को उधर लेके चले गए, उस 6 को इधर ले आया, तो 10 - 6 = 4 और 8 + 6 = 14k, तो यहां भी k की वैल्यू क्या है 4/14, 2 से कैंसिल आउट 2/7। तो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ ये पॉइंट को लीनियर है या नहीं, तो आप किसी भी एक पॉइंट को k रेशियो 1 में डिवाइड मान लें, उसके x कोऑर्डिनेट से और y कोऑर्डिनेट दोनों से सॉल्व करें, अगर आपकी k की वैल्यू सेम आ रही है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। दूसरी चीज, अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन था कि ए बी को सी किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, लाइन जॉइनिंग ए बी डिवाइड बाय -1, 6, तो आप इस क्वेश्चन को के रेशियो 1 में मान लें, सेक्शन फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें, एक्स कोऑर्डिनेट को गिवन एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर दें, वाई कोऑर्डिनेट को गिवन वाई पॉइंट के इक्वल पुट कर दें। जनरली आप किसी एक इक्वल पुट करके निकालते हो एग्जाम में 2 रेशियो 7, तो आपके जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं उनमें आंसर यही आएगा, लेकिन हो सकता है किसी सी पॉइंट अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो k की वैल्यू अलग लगाते, उस टाइम हम ये बोलते हैं कि c ab को किसी भी रेशियो में डिवाइड नहीं करता, जो ab लाइन हो अगर उसकी इस साइड है, इस लाइन पे नहीं है, c पॉइंट इस साइड या इस साइड पे है, तो हम बोलते हैं ab
को सी पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड नहीं करते। आएगी बात समझ में। सेकंड इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज और पा रहा हूं इस क्वेश्चन के बाद। सेकंड क्वेश्चन, इफ ए बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP equals to 3/7 AB। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ए बी सेम वही, ए पॉइंट क्या दे रखा है -2, बी पॉइंट क्या है हमारा 2, -4, बी पॉइंट क्या है हमारा 2, -4 और पी पॉइंट किस तरीके से है उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है एपी इक्वल टू 3/7। ध्यान से देखो, हमें एम रेशियो एन चाहिए, पी पॉइंट नहीं यहां पर, हमें रिक्वायरमेंट क्या है किसकी, एक्चुअल में एपी रेशियो पीबी रिक्वायरमेंट है। एपी रेशियो पीबी मीन्स एपी बाई पीबी का रिक्वायरमेंट है, एपी बाई पीबी का हमें रिक्वायरमेंट है। तो एपी बाई पीबी कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है एपी अपॉन एबी को इस साइड ले आया हमें एबी इक्वल टू क्या है 3/7 मीन्स एपी जो ये है ये मेरा क्या है 3 है और एबी क्या है ये कंप्लीट है ये मेरा क्या है और मेरे को चाहिए क्या क्वेश्चन में। एम की वैल्यू तो 3 मिल गई लेकिन एन की वैल्यू नहीं मिली, एन क्या होता है पीबी, तो ये क्या होगा टोटल 7 -3, तो ये क्या आएगा एम रेशियो एन 3:7, तो एपी बाई पीबी 3/4 आएगा। एम की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 4 है, ये आपका पॉइंट सेकंड हो गया, तो ये आपका x2, ये y2, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये x1, y1, तो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे आपको एम इंटू x2 3 × 2 प्लस एन इंटू x1 4 × -2 अपॉन एम प्लस एन 3 + 4 एम इंटू y2 3 × -4 प्लस एन इंटू y1 4 × 2 3 + 4 सॉल्व कर लीजिए 6 माइनस का 8/7 माइनस का 12 प्लस का 8/7 तो पॉइंट आपका आया -2/7 और -2/7 एंड -4/7। अब इसमें छोटी छोटी चीजें आप ऐसे बेसिक, कई बार आपको पॉइंट आता है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके लिए आप अभी नोट कर लें। अगर कभी भी आपका आता है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर आपको एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पॉज करना होगा तो आप उस पॉइंट को हमेशा क्या मानोगे x, 0। एक्स एक्सिस पे दुनिया के जितने भी पॉइंट होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे जो भी दुनिया का कोई भी पॉइंट मानोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक 0 होता है। ये इंटरनल कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का जिसमें 0, y तो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे क्वेश्चन आ गया a 3, 4 7, 1 आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द रेशियो व्हेन एबी कट एक्स एक्सिस, कि उस पॉइंट का रेशियो बताओ जो एबी एक्स एक्सिस को कट करेगी, या उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर एबी एक्स एक्सिस को कट करेगी। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस यहां पे कट कर दिया, ये पॉइंट हमारा बी एक्स एक्सिस को कट करेगी मीन्स वहां पर पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी x, 0, हमें उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम मान लिए ये किस रेशियो में कट कर रहा है, के रेशियो 1 में कट कर रहा है पुराना वाई सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू, हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मान लिया के रेशियो 1, क्या ले लिया के रेशियो 1, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट x1, y1 ये सेकंड पॉइंट x2, y2 n × x2 7k
प्लस एन इंटू एक्स वन थ्री अपॉन के प्लस वन कॉमा के प्लस वन कॉमा एन इंटू वाई टू के प्लस एन इंटू वाई वन फोर अपॉन ये पॉइंट हमारा x के इक्वल है और ये पॉइंट जीरो के इक्वल है। x की वैल्यू तो हमें ध्यान नहीं है फाइंड आउट करनी, तो ये पॉइंट किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल, तो जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं k प्लस फोर अपॉन k प्लस वन इक्वल टू जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या है k प्लस फोर इक्वल टू जीरो k की वैल्यू क्या है माइनस का फोर, तो k की वैल्यू माइनस फोर से डरना नहीं है। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो m रेशियो n पॉजिटिव हो ठीक है, k पॉजिटिव मीन्स इंटरनल के अगर नेगेटिव आ रहा हो रेशियो नेगेटिव आ रहा हो तो एक्सटर्नल आउटर एक्सटर्नल या आउटर ठीक है। के की वैल्यू क्या है किस रेशियो में फिट किया के रेशियो वन में, हमारा आंसर आ गया माइनस फोर रेशियो वन माइनस फोर रेशियो वन। अब पूछ रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इसे कैलकुलेशन किया तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा k की जगह माइनस फोर पुट कर दो सेवन इंटू माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस वन कॉमन जीरो ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस फोर प्लस फोर जीरो, तो ये क्या है माइनस का ट्वेंटी एट प्लस थ्री माइनस का थ्री कॉमन जीरो माइनस का ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस का थ्री जीरो, तो ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 25 बाई 3 कॉमन जीरो पे कट करेगी और किस रेशियो में करेगी माइनस फोर रेशियो वन में।